क्या आप अपने प्यूबिक हेयर से छुटकारा पाना चाहती हैं? क्या आप उन्हें हटाने के लिए वैक्सिंग, ट्वीजिंग या कोई हेयर रिमूवल क्रीम भी ट्राई कर चुकी हैं और आपके रिजल्ट्स बहुत ख़राब रहे? आज हम बात करेंगे अपने प्यूब्स को हेयर फ्री रखने के बारे में। इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप वैक्सिंग ट्राई कर सकती हैं, ट्वीजिंग ट्राई कर सकती हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि आप वो क्यों करेंगी, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है। आप एक डेपिलेटरी मशीन यूज़ कर सकती हैं, आप शेव कर सकती हैं, आप कोई हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप ट्रिम कर सकती हैं, लेज़र भी करवा सकती हैं, पर हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम इन सभी तरीकों के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि ये यूज़फुल हैं या ये बुरे हैं। मैं सबसे पहले वैक्सिंग के बारे में बात करूंगी। अगर आप अपने प्यूबिक हेयर वैक्स करा रही हैं तो ध्यान रखिए कि इसे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही करे, ताकि आपके प्यूबिक एरिया में कोई बर्न्स ना हो। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ध्यान रखेगा कि वो आपकी स्किन को ना उखाड़ दे, क्योंकि आपकी जेनिटल स्किन आपकी बॉडी की तुलना में बहुत पतली होती है, इसलिए आप बहुत सावधानी बरतनी चाहेंगी। और जैसा मैंने मेंशन किया, आप नहीं चाहती कि आपके बर्न्स हों। वैक्सिंग के बाद आपको कॉटन फैब्रिक ही पहनना चाहिए, ताकि आपकी इरिटेटेड स्किन और इरिटेट ना हो, क्योंकि वैक्सिंग एक बहुत ही वायलेंट प्रोसेस है। इसमें हम बालों को जड़ से उखाड़ते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपनी स्किन को और इरिटेट ना करें। इसके अलावा सॉफ्ट कॉटन पैंटीज ही पहनिए, कुछ भी लेसी पहनना अवॉइड करें। अब हम शेविंग के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप शेव कर रही हैं, ध्यान रखिए कि आप हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही शेव करें, और ये सेम बात आपके प्यूब्स पर भी लागू होती है। हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही शेव करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप स्किन पर रेजर यूज करती हैं तो छोटे कट्स क्रिएट हो जाते हैं, और ये कट्स अपने अंदर बैक्टीरिया को इनवाइट कर सकते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकता है, और कोई भी इस एरिया में इन्फेक्शन नहीं चाहेगा। अब हम हेयर रिमूवल क्रीम्स की बात करेंगे। आपकी जेनिटल्स में हेयर रिमूवल क्रीम्स बैड आइडिया। रीजन ये है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस के बने होते हैं, और आप उन्हें अपने जेनिटल्स के अराउंड नहीं लगाना चाहेंगी, क्योंकि याद रखिए कि आपकी जेनिटल्स की स्किन आपकी बाकी बॉडी की स्किन से पतली है, और वो बहुत जल्दी चीज़ों को अपनी ब्लड स्ट्रीम्स में सोख लेते हैं। इससे आपको केमिकल बर्न्स भी हो सकते हैं, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगी। और फाइनली, अगर आपको एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम मिल जाती है जो आपके प्यूबिक हेयर के लिए ही फॉर्म्यूलेटेड है, और आप इसे यूज़ कीजिए, पर ध्यान रखिए कि वो स्पेसिफिकली आपके प्यूबिक हेयर के लिए ही है और कोई जनरल हेयर रिमूवल क्रीम नहीं। और अब हम बात करते हैं एक और मेथड के बारे में, जिसका नाम है ट्रिमिंग। और ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपने प्यूब्स का ध्यान रखना चाहती हैं। तो ट्रिमिंग से आपके प्यूब्स की एक्सेस लेंथ कम हो जाती है, तो आपके प्यूब्स इतने लंबे होने की बजाय सिर्फ इतने लंबे होंगे, और आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील करेंगी अगर आप ऐसा चाहती हैं तो। और इसके अलावा शेविंग और वैक्सिंग के साथ काफी रिस्क भी जुड़े होते हैं, जैसे स्किन में इरिटेशन, वो सब ट्रिमिंग के साथ नहीं होता। अगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक शार्प पेयर ऑफ सिजर्स ही यूज करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको बार बार उसे यूज करना पड़ेगा, और इससे कट्स पड़ने का भी रिस्क है। आपकी सिजर्स एकदम साफ होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद को टेटनस बीमारी नहीं देना चाहती। और याद रखिए, ट्रिमिंग बेस्ट ऑप्शन है। पर आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है कि क्या हमें प्यूबिक हेयर रिमूव करने की जरूरत भी है? क्या आपको प्यूबिक हेयर के होने से अनहाइजीनिक लगता है? इसका जवाब है नो। प्यूबिक हेयर होना या ना होना आपकी चॉइस है। आप इनके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। कोई और आपको इसके बारे में मोटिवेट नहीं कर सकता, आपका डॉक्टर भी नहीं। तो इसलिए अगर आप डॉक्टर के पास जा रही हैं, हे भगवान, वो मेरे प्यूबिक हेयर के बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि डॉक्टर्स को फर्क नहीं पड़ता। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको प्यूबिक हेयर चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो आगे बढ़िए, और अगर नहीं तो हेयर रिमूवल का एक सेफ मेथड ही चूज कीजिए। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोस बाय अस।